आदित्य सिंह गेंदबाजी मार्ग पर है। जी जी मिश्रा, मैंने मिश्रा ही लिखा था, यहां पर बोला कि सिंह है। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद इस ओवर की, पहली की पारी की समाप्ति। गेंदबाजी मार्ग पर आदित्य, बल्लेबाजी मार्ग पर आशुतोष और श्रवण। पहली गेंद, हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। बहुत बढ़िया तेज गेंद और बिल्कुल ऑफ साइड के बाहर, विकेटों के करीब से यह गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। फ्रंट फुट पर पैर बाहर निकला जरूर था बल्लेबाज आशुतोष का, लेकिन गेंद बल्ले के संपर्क श्रवण का, लेकिन गेंद बल्ले से दूर। श्रवण अगली गेंद, सामना करने के लिए तैयार। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद देखिए थोड़ा सा फंबल वहां पर, उनके आंखों में चोट लगी थी। गेंद बिल्कुल एंड मोमेंट पर पत्थर के जरिए उछाल लेती हुई उनके चेहरे से टकराई। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा कोई गंभीर चोट ना हो। और देखिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी खिलाड़ियों के लिए, आप इससे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाते होंगे, लेकिन वहां पर किसी भी टूर्नामेंट में आपने ये नहीं सुना होगा कि बहुत कम ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जहां पर खिलाड़ियों के लिए भोज का इंतजाम किया जाता है, लेकिन ये एकमात्र उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर आपकी हर चीज का ख्याल रखा जाता है। पानी की प्यास हो या पेट की भूख हो, उस सब का ख्याल रखते हुए यहां पर आपके लिए दोपहर में भोज का इंतजाम यानी लंच का इंतजाम किया गया है। तो कृपया कर उस लंच का लाभ उठाइएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि DUPL इसी तरह हर वर्ष तरक्की करता रहे और हर साल कुछ नया आयोजन आपके लिए आपके समक्ष लाता रहे। दो रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 3 रन बिना नुकसान के। बातों ही बातों में 3 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। आदित्य मिश्रा की इस बीच अगली गेंद, सामना करेंगे आशुतोष। फुल टॉस गेंद और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर। सिक्स रन्स डीजे। गॉड, दिस इज फेनोमिनल स्ट्रोक। बिग 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 शॉट का डीजे। आशुतोष के बल्ले से बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर निकले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस प्रतियोगिता में यदि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गेंदबाज हैट्रिक चौके, हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट चटकाता है, तो हैट्रिक चौकों के लिए अशोक सिंह साहब की जानिब से 1000 रुपए की इनामी राशि है, हैट्रिक छक्कों पर 1500 रुपए की इनामी राशि है और हैट्रिक विकेट पर भी 1500 रुपए की इनामी राशि है। तो ये पूरी प्रतियोगिता में ये सर्कल चलता रहेगा। अशोक का जितना भी धन्यवाद करें मैं समझता हूं कम है, बड़ा दिल दिखाया है और आप सभीओं के लिए इनामी राशि की भरमार रखी है। तो आइए, हैट्रिक पर आ पहुंचे हैं आशुतोष, मात्र 1 षटकार दूर, यानी 1000 रुपए ऑलमोस्ट सेफ डिपॉजिट हो चुके हैं। यदि 1 छक्का लग जाए तो आपको 1500 रुपए की इनामी राशि का हकदार घोषित कर दिया जाएगा। मिश्रा की अगली गेंद, इस बार भी 1500 रुपए वाला ये एक दन दन नादेदार षटकार डीजे। ₹1500 की इनामी राशि आशुतोष के खाते में, क्या बात है। पहला दिन और पहले ही दिन में इसे कड़क कड़ाके की शुरुआत के साथ ₹1500 अपने खाते में सेफ डिपॉजिट कर चुका है बल्लेबाज अशोक सिंह साहब की जानिब से 1500 रुपए की जानिब के हकदार आशुतोष के लिए इंतजार में है।
स्कोर बढ़ता हुआ नहीं, बड़ी लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है 22 रन। पूरा प्रेशर अब यहां पर आदित्य मिश्रा पर। इस बार रॉन्ग वन किया, देखिए ये सम्मानजनक स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर पैर बाहर निकला था। ओहो, यहां दर्शाया है कि इनके पास टेम्परमेंट भी है, एग्रेसिवपन भी है और क्लास भी है, क्योंकि फॉर्म आज रहे कल ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन क्लास हमेशा रहता है और वही क्लास अब यहां पर दिखाया था आशुतोष ने। ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 23 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर वन ओवर 23 रन और स्कोरबोर्ड विदाउट एनी लॉस। एक शॉट के अनंतर धावपल के वर धावन की संख्या 23 रन बिन गड़ी बाद। आने वाला अगला गेंदबाज बॉलर नेम चलिए बॉलर नेम बता दे जरा वहीं से। राजेश्वर गेंदबाजी मार्ग पर। राजेश्वर अपने पहली ओवर की पहली गेंद पर बाड़ा वाला प्रहार, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, राता हुआ है खड़खड़े झटकार डीजे। की बुलंदियों को छूता हुआ इनका स्ट्राइक रेट भैया, इसीलिए कहते हैं कि सुबह की चाय और बड़ों की राय टाइम पर लेना चाहिए, दिन अच्छा जाता है और आज आशुतोष का दिन अच्छा जाता हुआ। शनि को शांत करने का मंत्र पढ़कर आया हुआ ये बल्लेबाज, सभी को मंत्र मुक्त करता हुआ बल्लेबाज आशुतोष। लाजवाब बल्लेबाजी, एग्रेशन, टेम्परमेंट, सारी चीजें। ओहो, इस बीच एक और खूबसूरत लेकिन कैच ड्रॉप। ओह माय गॉड, ये आशुतोष का कैच आपको इतना महंगा पड़ेगा, ये अंत की 5 ओवर बताएंगी। आशीष सर, ये कैच छूटता हुआ देखकर एक शेर याद आ रहा है कि पत्ता खा रहा था बकरा फिर भी भगा दिया, पत्ता खा रहा था बकरा फिर भी भगा दिया, कैच था इतना आसान पकड़ा और गिरा दिया। तो भैया ऐसी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, ये आशुतोष का विकेट है, बहुत महंगा पड़ेगा। अगली गेंद इस बार फिर से एक बार, ये बहुत बढ़िया इस बार टेम्परमेंट दिखाया है। यहां पर स्ट्राइक को रोटेट करना ही बेहतर ही है, क्योंकि एक एंड पर जब बल्लेबाज सेट है और फुटबॉल नजर आता हुआ उसे हर बॉल, तो उसे मौका देना अनिवार्य, और वही किया यहां पर श्रवण ने। अगली गेंद आशुतोष, इस बार बल्ले का सिरा लगा और विकेट कीपर के पीछे जाती हुई है गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। इस एक रन के बाद 7 रनों की संख्या बढ़ती हुई 32 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की, दूसरा ओवर चलता हुआ 15 के रन रेट को लेकर चल रही है। यदि 15 का रन रेट चलता रहा तो लगता है कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद 75-80 रन के आसपास आपको लक्ष्य नजर आएगा। यहां पर खतरा मोल लेकर दौड़ लगाई और बड़ी ही सरलता के साथ ये रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। एक और रन यहां पर जुड़ेगा खाते में, रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 33 बिना नुकसान के। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें हुई हैं, अंतिम गेंद आना बाकी, मात्र एक छक्का लगा था, एक मौका जरूर बना था गेंदबाज राजेश्वर ने, लेकिन मौका वहां पर गवाया था। इस बार गैप में है गेंद और निकल जाएगी ये गेंद, सीमा रेखा के करीब आकर रुक चुकी है, ये निकल गई है। चार डीजे। या सर्व खेळाडूंनी इथे लक्ष द्यायचं, जी बाउंड्री लाईन आहे ती जी सेकंड बाउंड्री लाईन आहे तीच बाउंड्री लाईन इथे ग्राह्य धरल्या जाणार आहे, आणि पंचांना देखील मी सूचित करतो की जी सेकंड बाउंड्री लाईन आहे ती बाउंड्री लाईन इथे ग्राह्य धरल्या जाणार आहे। पहिली बाउंड्री लाईन नाही आहे, सेकंड बाउंड्री लाईन आहे तीच इथे ग्राह्य धरल्या जाणार आहे।
और चलिए इस ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ बहुत ही बढ़िया साझेदारी यहां पर 17.5 रन के एतबार से करीब करीब बल्लेबाजी चलती हुई और आकर्षक नजर आया। यहां पर देखिए कितना जबरदस्त तरीके का स्ट्रोक आशुतोष के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। 4 छक्के लगाए हैं, एक चौका भी जड़ा है। कुल मिलाकर बात करूं तो मैं आशुतोष की 24, 28, 30, 31 रन पर खेलते हुए आशुतोष, यानी अगर 37 रन का लक्ष्य अगर आप देख रहे हैं स्कोरबोर्ड पर, यहां पर अब जब जड़े हैं स्कोरबोर्ड पर, उसमें 33 रन जो है वो एकमात्र आशुतोष के हैं। वन साइडेड, वन आर्मी की तरह फ्रंट पर आकर लीड करता हुआ अपनी टीम को और पारी को बड़े ही शान और शौकत के साथ आगे ले जाता हुआ आशुतोष। अगर ये गेंदबाज हैट्रिक, नीलेश जायसवाल आ चुके हैं, यदि नीलेश जायसवाल अगर हैट्रिक चटकाते हैं तो इन्हें स्वप्निल परमार यानी कैची साहब की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि घोषित की जाएगी और प्रणव जगताप की जानिब से भी 500 रुपए की इनामी राशि इनके लिए इंतजार में है। चलिए नीलेश परमार साहब, आप कर दीजिए वार, क्योंकि आपके नाम के आगे लगता है परमार। नीलेश जायसवाल साहब, आपके लिए इनामी राशि की घोषणा यहां पर कर दी गई है। सबके चहीते लोकप्रिय गेंदबाज, ये अलग अंदाज में फेंका लेकिन सही अंदाज में उसे पहुंचाया है दर्शक गिरगा में। स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। यस डीजे। आशुतोष का वो कैच जहां ड्रॉप हुआ था, उसके बाद इस बंदे ने 12 रन और बटोरे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब रनों की कितनी बड़ी सुनामी, कितना बड़ा सैलाब और कितना बड़ा भवंडर आने वाला है उस कैच को ड्रॉप करने के बाद। ये आपको 5 ओवर के अंत में पता चलेगा। आशुतोष मैन इन फॉर्म, 37 रन एकमात्र अकेले इस बंदे ने बनाए हैं। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 44। ये रॉन्ग वन यानी तोहफा दिया है और तोहफा कबूल है। बिग 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 चटकार डीजे। जयसवाल साहब, मैं आपको बता दूं कि आप हैट्रिक अगर विकेट चटकाते हो तो आपके लिए इनामी राशि है, हैट्रिक छक्के अगर अगर वहां से लगते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, वहां 1500 की इनामी राशि वो आशुतोष के लिए है। अब हैट्रिक पर आ चुके हैं आशुतोष, एक छक्का 3000 रुपए का चेक या जीपे या कैश आपके इंतजार में। अगली गेंद और यह मौका, इस बार मौका लेकिन नो मैन्स लैंड एरिया में गिरती हुई गेंद। आशुतोष आज भैया सुबह ये बंदा घी और शक्कर या दही शक्कर घर से खाकर निकला है, आज सारी चीजों का इस पर आशीर्वाद और बंदा मैन इन फॉर्म। कुल मिल हो जाता है बड़ा 52 जब डगआउट, जब स्कोर बोर्ड पर नजर आता है रन 52, तो यहां स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या 52, डगआउट में खुशहाल। नीलेश फिर से एक बार इस ओवर की 5वीं गेंद फेंकते हुए आशुतोष को, ये बढ़िया गेंद, ये पहली गेंद ऐसी थी लेकिन बाहर की तरफ, गेंद बढ़िया थी, टप्पा गलत तरीके पर फेंका था, लाइन थोड़ी सी भटकी थी और अंपायर का इशारा वाइट। अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, रनों की संख्या 53 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। सलामी जोड़ी जिस कार्य को करने आई थी, जितना डैमेज करने की मंशा से आई थी, उस कार्य को पूरी ही निष्ठा के साथ करती हुई आशुतोष और बल्लेबाज श्रवण की जोड़ी। ये अच्छा सम्मान दिया यहां पर, एक रन हासिल किया आशुतोष ने। इसी के चलते अंतिम गेंद अभी भी आना बाकी। नीलेश की रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 54। नीलेश जायसवाल थोड़े महंगे जरूर इस ओवर में साबित हुए हैं, लेकिन एक विकेट अगर चटकाती है तो वो उसका खमियाजा पूरा पूरा कर लेंगे।
उठाकर मारा और ये मौका। और इस बार देखिए, अभी कहा था कि एक सफलता आपके वो सारे दाग धो देगी, क्योंकि सर्फ एक्सेल ये बढ़िया काम करता है। तो पहली विकेट का पतन यहां पर, और चलते हैं डीजे के पास। DUPL डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में आने वाले सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का, सभी साथियों का, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का, ऑर्गेनाइजर कमेटी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। यहां पर जितने मान्यवर लोगों के फोटो लगे हैं, राहुल सिंह साहब, रोहन गायकवाड़ साहब, साथ ही साथ जय साहब, जय सूर्यवंशी साहब, ये जितने मान्यवरों के यहाँ पर फोटो लगे हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जिनके नाम हमें याद नहीं, हम सभी मान्यवरों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाने में, इस रंगमंच को सजाने में अपना योगदान दिया। इसलिए सभी मान्यवरों का फिर से एक बार अभिनंदन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रनों की संख्या पहुंची थी 54। अब यहां से 12 गेंदों का खेल शेष, गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज राजेश्वर। पहली गेंद पर बड़ा वाला प्रहार, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत बढ़िया वहां पर निलेश की फील्डिंग, डाइव लगाकर निलेश ने इस गेंद को रोका, अपनी टीम के लिए 3 और रन रोकने में सक्षम हुए निलेश जायसवाल। एक रन यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। थैंक यू सर। प्ले सन्माननीय अतिथि नितिन म्हात्रे सर यांचं देखील स्वागत आहे व्यासपीठावरती। हा सामना एन्जॉय करताय, DUPL सीजन 3 मध्ये आपलं स्वागत आहे। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सर। मनीष सर जिनकी आवाज आपने सुनी, एक मधुर एक मीठी आवाज इस परिसर की, खास करके महाराष्ट्र की लोकप्रिय और एकमात्र सबसे चहेती भाषा मराठी में कमेंट्री समालोचन करते हुए चलते हैं मैच की जानिब। रनों की संख्या इस एक के बाद अब तक 56। Oh my God, this is killer Miller stroke, big 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 shotka DJ। के साथ आशुतोष ने पूरे कर लिए हैं अपने 50 रन। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बल्लेबाज का स्वागत किया जाए। क्या बल्लेबाजी है, टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक आशुतोष के बल्ले से निकलता हुआ। वो देखिए वो कैच अभी भी आपको याद आएगा, तब वो 30 पर खेल रहे थे, ये 23 रन आप दूर रख सकते थे। ओ माय गॉड, हेलीकॉप्टर निकला है और लैंड भी करेगा दर्शक गिरगा में, बिल्कुल बिग हिट के साथ 6 रन डीजे। हैट्रिक की कदार पर आशुतोष, 1500 रुपए की इनामी राशि आपके इंतजार में अशोक सिंह साहब की जानिब से रखी गई है। यदि ये एक और छक्का लगता है तो 3000 या तो चेक, जीपे कैश या पेटीएम करो। अब दर्शक की नजर इस गेंद पर, इस ओवर की वे 5वीं गेंद, और ये 1500 रुपए की इनामी राशि के हकदार बनते हुए आशुतोष की जय।
थैंक यू डीजे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक्स्ट्रा कवर का प्लेयर 30 गज के दायरे के बाहर खड़ा हुआ था, जहां पर अंपायर ने नो घोषित किया, यानी मुफ्त की ये गेंद, फुकट की ये गेंद देकर गई मुफ्त के 7 रन। और ये 7 रन के साथ बल्लेबाज आशुतोष को मिलेगा एक और मौका, यानी फ्री हिट का। सो नो एंट्री में फिर से एंट्री करने का लाइसेंस आशुतोष के पास। इस 6 के 7 रनों की संख्या 75, 75 रन स्कोरबोर्ड पर। ओह हेलीकॉप्टर निकला इस बार, लेकिन मात्र जमीन से रेंगता हुआ गया साइड स्क्रीन पर। 1 रन यहां पर और जुड़ते हुए खाते में। अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज की, फ्री हिट की डिलीवरी थी, लेकिन इस बार फुलर रखा था, बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया आशुतोष को, और कारपेट स्ट्रोक के साथ साइड स्क्रीन बिल्कुल सीधे जाती हुई अगेन 1 रन जुड़ा और खाते में। रनों की संख्या इस 1 रन के बाद 76 यानी 76 रन। ओहो खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदलने की कोशिश की, लेकिन क्या ये गेंद रोक पाए हैं? अगर रोक पाए हैं तो बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा यहां पर। अच्छा प्रयास, भले ही कैच में सफल नहीं हुए, लेकिन अपनी टीम के लिए 4 रन बचाने में हुए हैं सक्षम। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 77 रन स्कोरबोर्ड पर 3-4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम 6 गेंदे शेष है पारी की समाप्ति के लिए, और ये महत्वपूर्ण 6 गेंदे इससे पहले कि इस ओवर की शुरुआत हो, ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं डीजे भारत की जानिब से एक सुप्रसिद्ध संगीत डीजे। आम्ही कमल पांडेला देखील एक सुवर्ण संधी असणार आहे, हॅट्रिक जर त्यांनी संपादन केली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे स्वप्नील परमार यांच्याकडून। ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स। चलिए इस गेंदबाज के लिए भी 1000 रुपए की इनामी राशि की घोषणा की जा चुकी है स्वप्निल परमार साहब की जानिब से, जिन्हें प्यार से लोग कैंची के नाम से याद करते हैं। समता टीम की जानिब से भी 1000 रुपए की इनामी राशि की पहली कड़ी ड्रॉप होती हुई। ओ माय गॉड भैया, ये क्या हो रहा है? ऐसी कोचिंग, ऐसी ट्रेनिंग इनके टीम के मेंटोर ने और कोच ने भी नहीं दी होगी, जिस तरह की फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर किया जाता हुआ। अब 1000 रुपए की इनामी राशि का भार वो फील्डर ही नहीं उठा पा रहे, इतना भार लग चुका है कि कैच ड्रॉप होते जा रहे हैं। भैया एक और 1000 रुपए की इनामी राशि की घोषणा यहां पर पंकज गुप्ता साहब की जानिब से। यहां पर इस बार फ्लिक करना चाहते थे, पैरों से टकराई ये गेंद, लॉर्ड अपील यहां पर लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन गेंद विकेटों के बाहर पाया अंपायर ने। मैं बता दूं इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए अजीत पुत्रन सर, रमाकांत पवार साहब और निरंजन सावंत साहब। स्लोवर डिलीवरी इस बार बिल्कुल सीधे, तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज, हैरत अंगेज शॉट। 6 रन डीजे। श्री राम जानकी। फोर रन्स का स्कोरबोर्ड 84। ओहो क्या ये आंकड़ा 100 को छू पाएगा? आशुतोष है तो मुमकिन है। ये बैकफुट पर जाकर इस बार पुल किया था, काउ कॉर्नर की तरफ खेला, फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए आ गया है, 2 रन की कोशिश है, फंबल हुए वहां पर, और 2 रन बड़ी सरलता के साथ यहां पर आशुतोष के खाते में जुड़ते हुए। ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनता हुआ इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर। और निजी पारी की अगर बात करूं तो आशुतोष भी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो सबसे आगे चलते हुए। आशुतोष विकेट साठी देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे कमल पांडे याला पंकज गुप्ता यांच्याकडून। ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स। अपील लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं, 1 रन हासिल किया लेग बाय के चलते बल्लेबाज ने, रनों की संख्या बढ़ती हुई 87। इस ओवर की समाप्ति के लिए अभी भी एकमात्र एक गेंद का आना बाकी। यह अंतिम गेंद इस ओवर की, अब तक 10 रन इस ओवर से।
ये स्लोवर डिलीवरी और बढ़िया बीट किया इस बार। अंत में बांध दिया था बल्लेबाज को, मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। ऐसे गेंदबाज को आप अगर पहले लाते तो शायद यहां पर स्कोर का आंकड़ा जो है वो कुछ और नजर आता। बहरहाल यहां पर पांच ओवर की समाप्ति हुई और पांच ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन का यहां पर स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ, बनाने होंगे 88 रन। 88 रन का लक्ष्य होगा इस प्रतियोगिता के इस मैच को जीतने के लिए। चलिए इससे पहले कि अगली पारी की हो शुरुआत, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैं लूंगा आपसे रुखसती और मिलूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक कॉम बॉक्स में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी मनीष भागल सर। ओवर टू यू मनीष भागल सर। और मनीष भागल इससे पहले कि अपनी जिम्मेदारी संभाले, जाते हैं डीजे के पास और सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीत डीजे भारत के जानिब से। यस डीजे, थैंक यू सर। और मैं विनती करता हूं आशुतोष को कि आशुतोष आप आइए। आशुतोष को मैं विनती करता हूं आप आइए। आशुतोष कुछ सवाल है पूरी टीम की और पूरे ऑर्गेनाइजेशन कमिटी की कि आप क्या सोच रहे थे जब आप बैटिंग कर रहे थे, जब तू फलंदाजी कर रहा था तुझे डोकेत का विचार होता? और सर कितने सिक्स मारे इस प्लेयर ने? लगभग 8 से 10 सिक्स मारे, 3,000 रुपए भी उसको मिले। 10 सिक्स मारे, एक बार जोरदार टाली आशुतोष के लिए। 10 सिक्स आशुतोष ने मारे और आपने 50 भी कंप्लीट करी है। तो दो शब्द आप क्या कहना चाहते, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? स्ट्रैटेजी ये थी कि श्रवण और मैं जाके पावर प्ले में रन करेंगे, तो मैंने श्रवण को बोल के रखा था कि मैं हिटिंग करता हूँ, तू स्टेडी गेम खेलता। और श्रवण ने वही किया, श्रवण ने मेरा सुना और स्टेडी गेम खेला और मैंने पावर हिटिंग किया और मेरा बैटिंग अच्छा हुआ। मेरा मिसफील्ड की वजह से एक कैच छूट गया, उसके बाद मेरा रन हुआ, इस वजह से मेरा ज़्यादा रन हुआ, बैटिंग हुआ अच्छा और बॉल अच्छा दिख रहा था, मेरिट पे आ रहा था, जो मेरिट पे बॉल आ रहा था वही मैंने किया, जैसे जैसे बॉल आ रहा था वैसे वैसे हिटिंग किया। वेल प्लेड आशुतोष, आपको शुभकामनाएं बहुत सारी पूरे DUPL के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग करी है आपने। का मैच बघायला मिळाली आपल्याला, MG ग्रुप विपक्ष सांज वॉरियर्स। लक्ष्य असणार आहे, टार्गेट असणार आहे 88। रन्स करायचे जिंकण्यासाठी 5 षटकांमध्ये। धावा कुटायच्या 5 षटकांमध्ये, म्हणजे सरासरीचा विचार केला तर तब्बल 17.6 ची सरासरी इथे मेंटेन करावी लागणार आहे जिंकण्यासाठी। समोरच्या संघामध्ये देखील बलाढ्य फलंदाज आहेत, निलेश असणार आहे, त्यांचा आयकॉन प्लेयर म्हणजे कमल पांडे देखील असणार आहे। सांज वॉरियर संघाला ही पहिली मॅच जिंकण्यासाठी 78 धावा 88 रन्स करायचे आहेत 5 षटकांमध्ये। 17.6 ची सरासरी इथे त्यांना मेंटेन करावी लागणार आहे। बघत कमल पांडे ती सरासरी मेंटेन करू शकणार आहे का? आणि प्रत्येक षटकामध्ये म्हणजे नक्कीच पॉवर प्लेचे 2 षटक आहेत, ते 2 षटक अनिवार्य महत्वाचे आणि खूप जास्ती इम्पॉर्टंट असणार आहेत या मॅच मध्ये, कारण त्या षटकामध्ये काहीतरी फील्ड रिस्ट्रिक्शन्स असणार आहेत। 2 खेळाडू फक्त 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर पहिल्या षटकामध्ये आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 2 खेळाडू नाही तर 3 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण करू शकतात, पेट्रोलिंग करू शकतात त्या बाउंड्रीची। 5 षटक 78 धावींचं लक्ष, 17.6 ची सरासरी म्हणजे हानामारी बघायला मिळणार, फटके बघायला मिळणार। जी फलंदाजी आशुतोषने केली, अप्रतिम फलंदाजी केली, अष्टपैलू खेळाडू, वैयक्तिक अर्धषटक देखील त्यांनी झळकावलं। DUPL चं पहिलं अर्धषटक सीझन 3 मधलं आशुतोष याच्या बॅट मधून आलंय। तब्बल 74 धावा त्यांनी वैयक्तिक कुठल्या, जे संपूर्ण संघाचा विचार केला तर त्यांनी 95% धावा स्वतःच्या बॅट मधून त्यांनी संपूर्ण केल्यात।
त्याच्यासाठी पण बाउंड्री सहा दोघांना एक सुवर्ण संधी असणारे दोन्ही फलंदाजांना विनय आणि कमल पांडे यांच्यासाठी तीन षटकार किंवा तीन चौकार जरी मारले आपण हॅट्रिक इथे पूर्ण केली चौकारांची किंवा षटकारांची तर समता क्रिकेट क्लब यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. सुवर्ण संधी षटकार आणि चौकार तर नक्कीच इथे मारावे लागतील कारण 78 धावा आपल्याला चेस करायचे आणि गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पहिल्या बघायला मिळत आहेत. गोलंदाज आशुतोष ज्यांनी तब्बल 10 षटकार कुठले वैयक्तिक अर्धशतक देखील त्यांनी कंप्लीट केला तोच गोलंदाज आता पॉवर प्लेचा निर्णायक षटक इम्पॉर्टंट षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती का या खेळाडूची एवढी मागणी होती. डीयूपीएलचं ऑप्शन देखील आपण कव्हर केलं त्या ऑप्शन मध्ये देखील आपण बघितलं या खेळाडूसाठी सर्वच टीमनी आपले डावपेच रखत असले होते. आशुतोष पुन्हा एकदा सज्ज आहे आणि यावेळी पहिला चेंडू सबमरीन डिलिव्हरी ब्लॉक होल पद्धतीचा हा चेंडू आणि या चेंडूला सन्मान देत असताना कमल पांडे खात्याचा श्री गणेशा धावफलकाचा श्री गणेशा होत आहे. कमल पांडे यांच्या बॅट मधून पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव अंकित झाली आहे धावफलकावरती. विनय पहिल्या चेंडूवरती हल्ला चढवला यशरक्षक असणार आहे तिथे अंतर कापू शकलेलं नाहीये. चेंडू पहिल्या अटेम्प्ट वरती पहिल्या टप्प्यावरती चेंडूला पकडला आणि फेकी केली आहे आणि बघता बघता 2 धावा देखील इथे कंप्लीट झाल्यात 3 धावा देखील झाल्यात धावफलकावरती. हाणामारी करावी लागणार आहे षटकार कुठावे लागतील चौकार कुठावे लागणार आहे दोन्ही फलंदाजांना. 78 धावेंचं लक्ष 17.6 ची सरासरी म्हणजे एक मोठं लक्ष एक दडपण असणार आहे फलंदाजांवरती. भरपूर धावा इथे कन्सिडर केल्यात आपल्या गोलंदाजांनी पण बघूया त्यांना बॅकअप करतायत का त्यांना साथ देत आहेत का हे फलंदाज. आशुतोष पुन्हा एकदा सज्ज षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन यावेळी फटका प्रतिमा हे बघा षटकार मिळणार आहे का तरी या साईड स्क्रीन वरती चेंडू निघून जातोय पहिला षटकार या दुसऱ्या इनिंग मध्ये येतोय विनयच्या बॅट मधून. आशुतोष पुन्हा एकदा सज्ज समोर असणार आहे विनय यावेळी देखील फटका फसलाय बॅटची एज लागते जेलची शक्यता आहे. दोन खेळाडू तिथे दोन क्षेत्ररक्षक आणि अजून एक जेल ड्रॉप जो जेल ड्रॉप निलेशनी केला होता आशुतोषचा तो जेल ड्रॉप इथे बघायला मिळतोय आपल्याला. पकडा कॅचेस जिंका मॅचेस हे समीकरण असतं पण कॅच इथे पकडली जात नाहीये आणि एक संधी मी इथे विनयला बघत त्या संधीचं संपूर्ण सोनं करतोय का विनय कारण एक षटकार त्याच्या बॅट मधून आला होता. दडपण कमलवरती देखील असणार एक आयकॉन खेळाडू चार चेंडूचा खेळ झालाय 10 धावा देखील झाल्या तिथे धावफलकावरती. दोन चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे पुढे सरसावलाय फटका मारण्याचा प्रयत्न पण चतुर गोलंदाजी अप्रतिम गोलंदाजी त्यांनी बघितलं फलंदाज स्टेप आउट होतोय आणि त्यानंतर चेंडू थोडासा खेचून टाकला. चांगली गोलंदाजी करतोय आशुतोष एक अष्टपैलू खेळाडू आहे का या खेळाडूची मागणी आपल्याला बघायला मिळत होती सर्व संघांकडून त्याचा चोख प्रति उत्तर तो आपल्या गोलंदाजीने देखील देतोय. 5 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत झालाय 10 धावा धावफलकावरती देखील झाल्यात. हलव्या टप्प्याचा चेंडू स्लो रन पद्धतीचा चेंडू होता सबमरीन डिलिव्हरी देखील बघायला मिळाली आणि ह्या चेंडूवरती देखील सन्मान देतोय. षटक संपलाय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा देखील बघायला मिळतात आपल्याला धावफलकावरती.
गोलंदाजी मार्क वरती पावर प्ले चा दुसरा षटक घेऊन येतोय श्रवण. बघा श्रवण कशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. अजूनही 24 चेंडू आणि 77 धावा करायच्या, 77 रन्स करायचे आहेत अजूनही चार षटकामध्ये, चार ओव्हर्स मध्ये. म्हणजे 24 चेंडूंमध्ये 77 धावा, 24 बॉल्स 77 रन्स. श्रवणचा पहिला चेंडू आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडू आणि बॅटचा प्रॉपर संपर्क झाला नाहीये, बॅटीची एज लागते आणि चेंडू तिथे निघून जातोय मागे. बॅनर्सला इथे सन्मान करत असताना हा चेंडू एका धावेनी धावफलक पुढे सरसावतोय. 12 धावा देखील झाल्यात धावफलकावरती. संपूर्ण मोठं लक्ष बघायला मिळतंय 78 धावेंचं. 88 रन्स करायचे जिंकण्यासाठी. विनय पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळी फुल टॉस चेंडू होता, फुल टोल इथे वसूल करण्याचा प्रयत्न होता, पण त्या प्रयत्नांना इथे यश येत नाहीये. सुनेक चेंडू यशांच्या मागे 22 स्वरूपाने एक धाव खात्यामध्ये ऍड होते. 13 धावा इथे धावफलकावरती झाल्यात. पुढील चेंडू फुल टॉस चेंडू होता आणि या चेंडूवरती फुल टोल वसूल झालाय का तर येस. चांगलं क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिला. बघा पंच काय कॉल करतायत. येस षटकार आहे 6-6 धावा षटकार इथे वसूल करतायत. पण प्रयत्न अप्रतिम होता, एकदा जोरदार टाय झाल्या पाहिजेत या क्षेत्ररक्षणासाठी. संपूर्ण स्वतःला झोकून दिलं, अंदाज तिथे बांधता आला नाहीये बाउंड्री लाईनचा. आणि 6 धावा इथे धावफलकावरती ऍड होत आहेत. अजून एक षटकार येतोय आणि यावेळी षटकार येतोय आयकॉन खेळाडू कमाल पांडे याच्या बॅट मधून. तीन चेंडू 7 धावा धावफलकावरती. यावेळी हलवट टप्प्याचा चेंडू होता, फलंदाजाला फसवलंय, बॅटची टॉप एज लागते, खेळाडू चेंडूच्या खाली आणि अजून एक झेल ड्रॉप होतोय. डायरेक्ट हिट देखील तिथे लागतंय, पण पुन्हा एकदा चांगलं बॅकअप बघायला मिळते आपल्याला. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं लागणार. चतुर गोलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी होते. पुढे सरसावला होता ह्यावेळी देखील. 21 धावा धावफलकावरती लागताय श्रवणच्या गोलंदाजीमध्ये. 4 चेंडूचा खेळ झालाय, अजूनही 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 78 धावा, 88 रन्स इथे जिंकण्यासाठी बनवायच्या. सांज 11 या संघाला. विनय येतोय आता फलंदाजी मार्क वरती. बघत विनयच्या बॅट मधून एखादी आग उगवता षटकार आपल्याला बघायला मिळतोय का. यावेळी पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी होते, बॅटची एज लागते आणि चेंडू निघून जातोय. पुन्हा एकदा यशांच्या मागे, क्षेत्ररक्षणाच्या मागे येतोय अजून एक निर्धाव चेंडू, अजून एक डॉट बॉल. लास्ट बॉल, 1 टू गो. यावेळी देखील विनयच्या बॅट मधून अप्रतिम फटका आहे. बघत 1 बाउन्स चेंडू निघून जातोय का चौकारासाठी. येस अजून एक चौकार येतोय विनयच्या बॅट मधून. एक सुवर्ण संधी असणार आहे कमल पांडे याच्यासाठी. जर मॅच फिनिश केली तर तब्बल 1100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे स्वप्निल परमार उर्फ कैची यांच्याकडून. जर मॅच इथे कंप्लीट केली, फिनिश केली कमल पांडेनी, तर 1100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. तीन षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि या तीन षटकांमध्ये जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत 64 रन्स. म्हणजे जी सरासरी होती 17.6 ती सरासरी आता येऊन टेपली आहे 21.6 या आकड्यावरती. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 21 धावा तब्बल इथे कुटावे लागणार आहेत जिंकण्यासाठी. सलामीला आलेले दोन्ही सलामवीर अजून फलंदाजी करतायत, चांगली फलंदाजी होती आहे. विनयनी जर 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारले तर दीपक मिश्रा यांच्याकडून देखील 1500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. राहुल सज्जय गोलंदाजी मार्क वरती. समोर असणार आहे कमल पांडे. अकुटप्याचा चेंडू, पहिला चेंडू रॉंग लाईन, चुकीची लाईन होती आणि व्हाईट बॉल इथे पंचांनी घोषित केला. धावा झाल्यात 25 धाव फलकावरती. पहिला चेंडू स्क्वेअर फेकला, पहिला चेंडू व्हाईट बॉल फेकला. 25 धावा देखील धाव फलकावरती बघायला मिळत आहेत आपल्याला.
63 धावा अजु ही कराए जिंकने 18 चेंडू 63 धावा 21 रन की सरासरी पुढ़ सरसवल हलक्या हाथा चेंडूला फ्लिक करने का प्रयत्न होता चेंडू पायाला आदळतो आणि एक धाव इथे खात्यामध्ये कंप्लीट होते 26 धावा झाले धावफलकावरती एका चेंडूचा खेळ झाला अजूनही 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे बघत उर्वरित 11 चेंडूंमध्ये 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे राहुल पुन्हा एकदा सज्ज आहे समोर असणारे विनय यावेळी सुरेख गोलंदाजी अप्रतिम गोलंदाजी होते धाव घेण्याचा प्रयत्न होतो पण नकारतात विनय तिथे राहुल या षटका मध्ये चार चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे चांगली गोलंदाजी करतोय वेगवान गोलंदाजी करतोय यावेळी पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण अप्रतिम क्षेत्ररक्षण देखील आपल्याला बघायला मिळालं तिथे अनिल आहेत अनिल जयस्वाल तीन चेंडूचा खेळ शिल्लक राहुल गोलंदाजी मार्क वरती समोर असणार विनय भरपूर मोठं लक्ष आहे लक्ष्याचा पाठलाग कसे करतायत दोन्ही सलामीला आलेले फलंदाज यावेळी पुन्हा एकदा हलक्या हाताने फ्लिक केलाय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये फाईन लेग रिजन मध्ये चेंडू तिथे निघून जातोय एका धावेसाठी आणि एका धावेने धावफलक पुढे सरसवतोय 27 धावेंवरती थोडंसं संत क्रिकेट शांत क्रिकेट सायलेंट क्रिकेट बघायला मिळते आपल्याला दोन्ही फलंदाजांकडून जिथे आवश्यकता षटकाराची आहे चौकाराची आहे ते चौकार येत नाहीये षटकार येत नाहीये दोन्ही फलंदाजांकडून कारण गोलंदाजी अप्रतिम होते सुरेख गोलंदाजी होते संपूर्ण संघाकडूनच एमजी ग्रुप या संघाकडून कारण फलंदाजीमध्ये त्यांनी डॉमिनेट केलं आणि आता डॉमिनेशन त्याच्या गोलंदाजीमध्ये देखील बघायला मिळत आहे यावेळी पुढे सरसवलं चेंडूला फटका अप्रतिम आहे आणि हा फटका बघायत षटकार आहे की चौकार आहे षटकार येणार आहे ज्या षटकाराची वाट संपूर्ण संघ बघत होता तो षटकार इथे येतोय कमल पांडे याच्या बॅट मधून डीच आहे यावेळी देखील अप्रतिम फटका क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं झालंय चेंडूला तिथे फील्ड खेळण्यामध्ये यश मिळालंय पण बॅकअप चुकीचा आहे आणि बघता बघता दोन धावा देखील इथे धावफलकावरती कंप्लीट होत आहेत आणि धावफलकाचा विचार केला तर तब्बल 35 धावा 35 रन झाले तिथे धावफलकावरती तीन षटकांचा खेळ देखील संपलाय ऐकूयात सुमधुर संगीत आपण डीजे भरत यांच्याकडून अप्रतिम कामगिरी इथे आशुतोषी देखील आपल्याला बघायला मिळते पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन आला त्या षटकामध्ये फक्त 11 धावा दिल्या त्यानंतर वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी चौथं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती पहिल्या चेंडूवरती सलामीला आलेल्या विनयला देखील तंबूचा आश्रय दाखवलाय चांगली गोलंदाजी अष्टपैलू खेळाडू आणि कामगिरी देखील त्याची चोख होते अष्टपैलू कामगिरी देखील त्याच्याकडून बघायला मिळते आपल्याला आशुतोष पुन्हा एकदा सज्ज राईट आर्म राऊंड ओव्हर द विकेट निमारा करतोय यावेळी देखील अलॉंग द ग्राउंड कार्पेट ड्राईव्ह बघायला मिळते आपल्याला क्षेत्ररक्षण सज्ज होतं मिसफील्ड होते खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू निघून जातोय चौकारासाठी
39 39 धावा इथे धावफलकावरती बघायला मिळतात. आशुतोष पुन्हा एकदा सज्ज आहे. षटकातील तिसरा चेंडू गोट्याचा चेंडू होता. जेलची शक्यता. प्रयत्न अप्रतिम तिथे झालाय. श्रवण होता यशांच्या मागे. काय अप्रतिम प्रयत्न केला श्रवणने तिथे. एकदा जोरदार टाळ्या त्या प्रयत्नासाठी देखील झाल्या पाहिजेत. अप्रतिम प्रयत्न यशांच्या मागून. पण एक धाव इथे धावफलकावरती ऍड होते. चेंडू झाले 3 या षटकामध्ये. धावा झाले 40 अजून 48 धावा जिंकण्यासाठी करायच्यात. यावी पुढे सरसावला. एलिव्हेशन प्रॉपर आहे. फटका फसलाय. बॅटची एज लागते. खेळाडू येतोय जेलच्या खाली आणि झेल होतोय ड्रॉप. अजून एक झेल ड्रॉप होतोय. दोन धावा देखील इथे कंप्लीट झाल्यात. धाव फलकावरती 42 धावा लागल्यात. आणि या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ झालाय. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक आहे. आणि यावेळी फटका अप्रतिम आहे. एलिव्हेशन तर प्रॉपर आहे. बघत अंतर इथे कापू शकलेला आहे का. झेलची शक्यता. अजून एक झेल ड्रॉप होतोय. सलगचा दुसरा चेंडू आणि दुसरा झेल इथे ड्रॉप होतोय. आणि DD11 संघाचे ओनर दिनेश दुबेजी यांचे देखील स्वागत आहे. व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचंय आणि सामना इथे एन्जॉय करायचा आहे. आपल्या संघाने पहिला सामना जिंकलाय. डॉमिनेट केलाय आपल्या संघाने. शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये. अशी तो सज्ज आहे. यावेळी फटका प्रतिम आहे. आणि बघत किती धावा मिळणार आहे. मिळणार आहे एक उत्तुंग षटकार. कमल पांडे याच्या बॅट मधून धावफलक पुढे सरसवलंय आणि धावा झाले धावफलकावरती तब्बल 50 धावा. ठीक आहे. धावा झालेत 50 50 38 रन्स जिंकण्यासाठी करायच्यात एका षटकामध्ये. आणि ते एक शुभ सत्कार होतो. शुभ सन्मान होतोय. श्री दिनेश दुबेजी यांचा शुभ सन्मान करणार आहेत. अशोक सिंग यांना मी विनंती करतो एक शुभ सन्मान करायचा आहे. आपले मान्यवर अतिथीगण मुलाचं सहकार्य राहिलंय या स्पर्धेमध्ये. श्री दिनेश दुबेजी आणि पहिल्या चेंडूवरती हल्ला. अशी तोच असणार आहे. आणि त्याच्याकडून एक चूक होणार नाही आहे. फलंदाज अजून एक बाद होतोय. सांज 11 संघाचा डीजे. ग्रुप या संघाला डीजे.
आणि आपले अतिथिगण सचिन सावंत आणि कुणाल म्हात्रे सर यांचं देखील स्वागत आहे व्यासपीठावरती. सर्वच मान्यवरांची इथे साथ आपल्याला लाभली आहे आणि सामना देखील ते एन्जॉय करण्यासाठी येत आहेत आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये. आणि आपले मान्यवर श्री अजय सावंत यांच्याकडून आपली संपूर्ण 2 दिवस पाण्याची सुविधा आपल्याला त्यांच्याकडून उपलब्ध झाली आहे, त्यांच्या देखील मी धन्यवाद मानेन. यावी चेंडू अप्रतिम होता, सबमरीन डिलिव्हरी होती आणि त्या चेंडूला देखील बिरकवण्याचा प्रयत्न, थोडासा मिसफील्ड तिथे होताना दिसते आपल्याला आणि बघता बघता 2 धावा देखील इथे धावफलकावरती कंप्लीट झाल्यात. आणि इथे एक शुभ सन्मान होणार आहे, शशीधर शुक्लाजी यांचा शुभ सन्मान करणार आहेत. कमलेश कमलेश जयेशवाल जी यांना मी विनंती करतो की शशीधर शुक्ला यांचा आपण एक शुभ सन्मान करायचा आहे. चौकार आलाय आणि इनिंग मधील हा शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल टू गो, व त्या शेवटच्या चेंडूवरती एखादी षटकार किंवा चौकार बघायला मिळतोय का आपल्याला, कारण सामना इथे जवळपास संपलाय. शेवटचा चेंडू रिव्हर्स स्विच स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि अजून एक येतोय निर्धाव चेंडू. मॅच संपली आहे, सामना जिंकलाय एमजी ग्रुप या संघाने आणि मॅन ऑफ द मॅच मी घोषित करतो, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच असणार आहे आशुतोष. येस, आणि कॉम्बॉक्स मध्ये मी विनंती करतो माझे साथी समालोचक सिरा शेख सर यांना की आपण कॉम्बॉक्सचा ताबा घ्यायचा आहे आणि यापुढील मॅच फर्स्ट इनिंग साठी आपण त्यांचा सुमधूर आवाज ऐकणार आहोत. पता नहीं किस रूप में